हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल भावना भोई में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप गर्भवती हैं और गर्भावस्था में अगर आप पूरे भागवतम गीता ना भी पढ़ पाए तो भी आपको श्री कृष्ण जन्म के समय देवताओं द्वारा की गई यह स्तुति आपको जरूर सुनना चाहिए। इससे आपके गर्भ में पल रहे शिशु को अच्छे संस्कार और अच्छे विचार प्राप्त होते हैं। भागवतम पुराण के 10वें स्कंद के 2रे अध्याय में यह प्रसंग आता है कि किस प्रकार सारे देवी देवताओं ने देवकी माँ के गर्भस्थ शिशु के लिए कंस के कारागार में आकर स्तुति की थी और उनके स्वरूप का वर्णन किया था, भगवान के सभी दिव्य गुणों के बारे में बताया था। गर्भ संस्कार में माना जाता है गर्भवती माँ जैसा सोचती है, जैसे गुणों को चाहती है, आपकी संतान वैसे ही गुणों को लेकर जन्म लेती है। इसलिए इस समय नित्य भगवान की स्तुति शिशु को हर रोज सुनाना चाहिए ताकि शिशु में भी भगवान कृष्ण जैसे गुण आ सके। आइए श्रद्धापूर्वक पाठ शुरू करते हैं। सर्वप्रथम परीक्षित जी भागवतम पुराण के 25वें और 26वें श्लोक में कहते हैं, श्री हरि की लीला दर्शन हेतु भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के खेत खाने में आए। उनके साथ नारद आदि ऋषि भी थे। वे लोग सुमुदर वचनों से सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करने लगे। प्रभु, आप सत्य संकल्प है, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण है और उनमें अंतर्यामी रूप से आप विराजमान भी है। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप है। आप ही मधुर वाणी और समदर्शन के प्रवर्तक है। भगवान, आप बस सत्य स्वरूप ही है। हम सब आपकी शरण में आए हैं। इस संसार रूप वृक्ष की उत्पत्ति के आधार एकमात्र आप ही है। आप में ही इसका प्रलय होता है और आपके ही अनुग्रह से इसकी रक्षा भी होती है। जिनका चित्त आपकी माया में आवृत्त हो रहा है, इस सत्य को समझने की शक्ति खो बैठा है, वे ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को अनेक देखते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष तो सबके रूप में केवल आपका ही दर्शन करते हैं। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा है, चराचर जगत के कल्याण के लिए ही अनेकों रूप धारण करते हैं। आपके वे रूप विशुद्ध अप्राकृत सत्वमय होते हैं और संत पुरुषों को बहुत सुख देते हैं, साथ ही दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड भी देते हैं, उनके लिए अमंगलमय भी होते हैं। कमल के समान कोमल अनुग्रह भरे नेत्रों वाले प्रभु, कुछ बिरले लोग ही आपके समस्त पदार्थों और प्राणियों के आश्चर्य स्वरूप रूप में पूर्ण एकाग्रता से चित्त लगा पाते हैं और आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर इस संसार सागर को बछड़े के खून के गड्ढे के समान अनायास ही पार कर जाते हैं। क्यों न हो, अब तक के संतों ने इसी जहाज से संसार सागर को पार जो किया है। परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा, आपके भक्तजन सारे जगत के निष्कपट प्रेमी सच्चे हितेशी होते हैं। वे स्वयं को इस भयंकर और कष्ट से पार करने योग्य संसार सागर को पार ही कर जाते हैं, किंतु औरों के कल्याण के लिए भी वे यहाँ आपके चरण कमलों की नौका स्थापित कर जाते हैं। वास्तव में सत्य पुरुषों पर आपकी महान कृपा है, उनके लिए आप अनुग्रह स्वरूप ही है। कमल नयन, हे श्री कृष्ण, जो लोग आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते तथा आपके प्रति भक्ति भाव से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे अपने को झूठ मूठ मुक्त मानते हैं। वास्तव में तो वे बद्ध ही है। वे यदि बड़ी तपस्या और साधना का कष्ट उठाकर किसी प्रकार
ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाए तो भी वहां से नीचे गिर जाते हैं, परंतु भगवान जो आपके अपने निज जन है, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रति जोड़ रखी है, वे कभी भी ज्ञान भिमानियों के भांति अपने साधन मार्ग से गिरते नहीं। प्रभु, वे बड़े बड़े विघ्न डालने वालों की सेना के सरदारों के सर पर पैर रखकर निर्भय विचरते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकते, क्योंकि उनके रक्षक आप जो हैं। प्रभु, आप इस संसार की स्थिति के लिए समस्त देहधारियों को परम कल्याण प्रदान करने वाला विशुद्ध सत्वमय सच्चिदानंदमय परम दिव्य मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। उस रूप के प्रकट होने से ही आपके भक्त वेद, कर्मकांड, अष्टांग योग, तपस्या और समाधि के द्वारा आपकी आराधना करेंगे। प्रभु, आप सबके विधाता है। यदि आपका यह विशुद्ध सत्वमय निज स्वरूप न हो तो अज्ञान और उसके द्वारा होने वाले भेदभाव को नष्ट करने वाला अप्रोक्ष ज्ञान ही किसी को न हो। जगत में दिखने वाले तीनों गुण आपके हैं और आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं, यह सत्य है। परंतु इन गुणों की प्रकाशक वृत्तियों से आपके स्वरूप का केवल अनुमान ही होता है, वास्तविक स्वरूप आपका साक्षात्कार नहीं होता। भगवान, मन और वेदवाणी के द्वारा केवल आपके स्वरूप का अनुमान मात्र होता है, क्योंकि आप उनके द्वारा दृश्य नहीं उनके साक्षी है। इसलिए आपके गुण, जन्म और कर्म आदि के द्वारा आपके नाम और रूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। फिर भी प्रभु, आपके भक्तजन उपासना आदि क्रिया योगों के द्वारा आपका साक्षात्कार तो करते ही है। जो पुरुष आपके मंगलमय नामों और रूपों का श्रवण, कीर्तन, स्मरण और ध्यान करता है और आपके चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित्त लगाए रहता है, उसे फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में नहीं आना पड़ता है। प्रभु, संपूर्ण दुखों को हरने वाले भगवान आप सर्वेश्वर है। यह पृथ्वी तो आपका चरण कमल ही है, आपके अवतार से इसका भार दूर हो गया। धन्य है प्रभु, हमारे लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग आपके सुंदर सुंदर चिन्हों से युक्त चरण कमलों के द्वारा विभूषित पृथ्वी को देखेंगे और स्वर्गलोक को भी आपकी कृपा से कृतार्थ देखेंगे। प्रभु, आप अजन्मा है। यदि आपके जन्म के कारण के संबंध में हम कोई तर्क न करें तो यही कह सकते हैं कि यह आपका लीला विनोद है। ऐसा कहने का कारण यह है कि आप तो द्वैत के लेश से रहित सर्वाधिष्ट स्वरूप है और इस जगत की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय अज्ञान के द्वारा आप में आरोपित है। प्रभु, आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य, हरग्रीव, कश्यप, नरसिंह, वराह, हंस, राम, परशुराम और वामन अवतार धारण करके हम लोगों की और तीनों लोगों की रक्षा की है, वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण कीजिए। यदुनंदन, हम आपके चरणों में वंदना करते हैं। हे प्रभु, हम देवकी जी को भी वंदन करते हैं, उन्हें संबोधित करके, हे माता जी, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं। आप कंस के तनिक भी मत डरिए, अब तो वह कुछ ही दिनों का मेहमान है, आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा। हे प्रभु श्री कृष्ण, आपके जैसे दिव्य गुणों वाली संतान हमें भी प्राप्त हो, यही वरदान हमें दीजिए। यही विनती हमारी आपसे है प्रभु, आप हमारी विनती स्वीकार कीजिए। यदुनंदन, धन्यवाद।